हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी का एन बी क्रिएशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में आप जानेंगे कि अगर आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड का बिल किसी अन्य बैंक के क्रेडिट कार्ड से डायरेक्ट पे करना चाहते हैं तो आप किस तरह से कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मोबीक्विक ऐप से किसी भी क्रेडिट कार्ड के बिल को अन्य किसी बैंक के क्रेडिट कार्ड से कैसे पे कर सकते हैं। तो कंप्लीट प्रोसेस वीडियो में आपको लाइव पेमेंट करके दिखाने वाला हूं। इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो से हेल्प ले तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में मोबीक्विक ऐप को ओपन कर लेना है। अपना मोबाइल नंबर और ओटीपी एंटर करने के बाद लॉगिन कर लीजिएगा। तो लॉगिन करने के बाद होम पेज कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो होम स्क्रीन पर नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, जो मैंने हाईलाइट किया है। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो जो भी आपके ऑलरेडी लिंक कार्ड हैं वो आपके सामने लिस्ट ओपन होकर आ जाएगी। इनके अलावा अगर किसी अन्य कार्ड का पेमेंट आप करना चाहते हैं, किसी अदर बैंक के कार्ड का पेमेंट करना चाहते हैं, तो ऊपर ऐड न्यू क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और कार्ड की डिटेल आपको एंटर कर देनी है। आपको सबसे पहले अपने कार्ड का नंबर एंटर कर देना है। तो कार्ड का नंबर एंटर कर दीजिए। जैसे ही आप नंबर एंटर करेंगे आपकी डिटेल्स ऑटोमेटिक फैच हो जाएंगी, किस बैंक का कौन सा कार्ड है वो आपका डिटेल ऊपर होकर आ जाएगा। अब एंटर करने के बाद, नंबर एंटर करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आप नीचे की तरफ ऑप्शन देख रहे हैं एंटर अमाउंट मैन्युअली, तो यहाँ पर आप अमाउंट फिल कर दीजिए जितना पेमेंट आप करना चाहते हैं और इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम मोबीक्विक ऐप से क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर रहे हैं तो आपको 100 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा फर्स्ट पेमेंट पर। तो उसके लिए नीचे आपको अप्लाई कूपन नाउ पे का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लिक करना होगा और अपना कोड को सेलेक्ट कर लेना है। तो जो फर्स्ट टाइम पेमेंट के लिए CC फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऊपर से सेकंड CC फर्स्ट, जिसमें आपको 100 रुपीज़ कैशबैक मिलेगा, अप्लाई पर क्लिक कर दीजिए। अब नीचे की तरफ पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, पे जो अमाउंट आपने फिल किया था। अब आपके पास कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं पेमेंट के कि किस मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो नीचे जो थर्ड ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है अदर पेमेंट ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप अपने मोबीक्विक ऐप का जो सिक्योरिटी पिन आपने बनाया होगा वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। तो अब आपके सामने और कई सारे ऑप्शन ओपन होकर आ गए। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड जो ऑलरेडी आपके अकाउंट पे लिंक हैं वो ऑलरेडी जो आपने पेमेंट पहले से की होंगी वो लिंक किए हुए क्रेडिट कार्ड आपको दिख जाएंगे। अगर आप कोई नए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो ऐड न्यू डेबिट कार्ड या ऐड न्यू क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करके आप नए कार्ड को एंटर कर सकते हैं। तो साथ ही मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, इस पे जो आपकी कन्वेंस फीस लगेगी वो 250 रुपये 75 पैसा कन्वेंस फीस लगेगी। कन्वेंस फीस किस तरह से चार्ज की जाती है वो डिटेल आप इस पे आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। पूरे डिटेल में आपको बता दिया जाएगा कि कितना आपका कन्वेंस चार्ज लगेगा, इस पे प्रोसेसिंग फीस लगेगी। तो इस तरह से आप यहाँ पे डिटेल्स चेक कर सकते हैं। ये लगभग 2.5% होगा, जो भी आपका अमाउंट है उसका 2.5% होता है। अब आपको अपने कार्ड की डिटेल्स यहाँ पर फिल कर देनी है, जिस कार्ड से आप बिल पे करना चाहते हैं वो डिटेल्स आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। सिक्योरिटी रीजन से मैंने इसको थोड़ा सा हाइड किया हुआ है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है तो मैंने इसको ब्लर किया हुआ है। तो डिटेल फिल करने के बाद पे नाउ पे ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो कार्ड की डिटेल फिल कर लेने के बाद नीचे की तरफ आपको पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद मोबीक्विक से अगर परमिशन मांगी जाती है आपके फ़ोन के एक्सेस की तो अलाउ कर दीजिएगा। इसके बाद जो जिस कार्ड से आपने पेमेंट करना चाहा है उस कार्ड पर आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर कर देना होगा और कन्फर्म पे क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही आप अपना वन टाइम OTP वेरीफाई करेंगे आपका जो पेमेंट है सक्सेसफुली हो जाएगा। कई बार आपके सामने पेमेंट अंडर प्रोसेस आएगा तो उस कंडीशन में आपको कुछ मिनट वेट करना है और आपका जो स्टेटस है वो ऑटोमेटिकली पेमेंट सक्सेसफुल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैसेज भी आ चुका है कि पेमेंट आपका डिडक्ट हो गया है और आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो गया है। तो नीचे डिटेल्स में चेक करने के लिए आप हिस्ट्री वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, जो होम पेज पर हिस्ट्री वाला आइकन आ रहा है
यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने डिटेल ओपन होकर आ जाएंगे। आप देख पा रहे हैं ये सक्सेस हो चुका है, जो पेमेंट है वो सक्सेस हो गया है और साथ ही जो आपका कैशबैक था वो भी 100 रुपीज़ का कैशबैक आपको मिल चुका है और वॉलेट में ऐड हो चुका है। आप देख पा रहे हैं ऊपर वॉलेट में पहले 0.05 पैसा था, अब 100.05 रुपये हो गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किसी अन्य क्रेडिट कार्ड से मोबीक्विक ऐप के थ्रू कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। दोस्तों अदर कार्ड पर पेमेंट रिफ्लेक्ट होने में 48 आवर्स का टाइम बताया गया है, तो 48 आवर्स के अंदर आपका जो पेमेंट है अदर कार्ड पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा जिस कार्ड की आपने पेमेंट की है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।